हेलो फ्रेंड्स, हाई, दिस इज मी इन घी नाथ और आप देख रहे हैं द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। ये ब्लॉग वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए और ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है उसको भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ये आपका लताशील का जो पूजा है वो दुर्गा पूजा, मैं वही आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये लताशील का मेन फील्ड जो है वो हाईकोर्ट के बगल में ही है और इसका जो आपका दुर्गा पूजा है उसका मंडप इस बार इसी तरह से बनाया हुआ है और ये एक मंदिर के जैसा है, आप लोग देख सकते हैं। अंदर में काफ़ी सारे मतलब आदमी भी आ जा सकते हैं। पिछले बार जो किया था वो तो टूट गया था। और ये है आपका मार्केट जो आपका सराउंडिंग में है, मंडप के आसपास में जो जो मार्केट है, रेस्टोरेंट है, शॉप है और बच्चों का खेलने का जगह भी है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये तो था लताशील का दुर्गा पूजा। अभी ये है आपका बेलतला का जो दुर्गा पूजा है वो दुर्गा पूजा ये बेलतला में सबसे, शायद मेरे ख्याल से बेलतला में काफ़ी ज़्यादा आदमी होते हैं, भक्तजन यहाँ पे मैक्सिमम आता है देखने के लिए। और यहाँ का जो दुर्गा पूजा का सिस्टम है, जो मंडप है, वो हर रोज़ कहीं ना कहीं हर जगह में चेंज करते रहता है। और यहाँ पे आज एक बढ़िया सा एक मंडप बनाया है और अंदर में आपको देखने को मिलेगा जो एसएमई का जो एक कल्चर है, वो कल्चर यहाँ पे बहुत बढ़िया से बनाया हुआ है, बनाए हैं वो लोग जो पैंडल बनाए हैं यहाँ पे। हम लोग जापी बोलते हैं, फिर चेपा बोलते हैं, ये सब कुछ ये हैंडमेड है जो हम लोग मैक्सिमम फार्मर जो होता है उन लोग के लिए हेल्पफुल है। एसएमईस कल्चर के ऊपर डिपेंड करके ये बनाया हुआ है। लाइट तो आपका थोड़ा मॉडर्न टाइप दिखने के लिए वो बनाया है, वो एक्चुअली सब कुछ बैम्बू का बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत से बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि ये शायद ही कंपटीशन होता है, सेकेंड प्राइस मेरे हिसाब से अभी तक के लिए सॉरी फर्स्ट प्राइस के लिए मेरे हिसाब से नॉमिनेशन मिलता है इसको, इस मंडप को। क्योंकि और है एक विष्णुपुर करके एक जगह है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ है। और हर साल यहाँ पे दिखाता है कि ये कुछ ना कुछ एक छोटा सा ड्रामा होता है और इस बार जो महिषासुर को वध करते हैं वही दुर्गा माँ का, ये जो वीडियो टाइप का लगता है आपको देख के, ये स्टेज शो टाइप का लगता है, ये एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग करके बनाया हुआ है, वो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं आपको। मैं दिखाऊँगा कि किस तरह से महिषासुर की वध करते हैं दुर्गा माँ, तो चलिए दिखाते हैं। ये देखिए आप, Thank you.
ये तो अभी डी एंड हो गया और इसके बाद मैं दिखाऊंगा अभी गणेश गुड़ी का नयनपुर, ये जो सबसे बड़ा मूर्ति बनाते हैं, ये एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। उसके बाद विष्णुपुर में भी बनाया हुआ है, इससे भी रिकॉर्ड तोड़ के बनाया है, इससे भी बड़ा बनाया था पिछले बार। और ये भी बहुत ही काफ़ी अच्छा मतलब बनाया है, ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है। ये नयनपुर करके जगह है, गणेश गुड़ी से थोड़ा सा ही अंदर आके आपको मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का अंदर में जो मूर्ति है वो भी है। अभी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और आप लोग भूलिए मत सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए बाय।